Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CAD Styler's SOLIDWORKS tutorial series. So, आज हमारी SOLIDWORKS tutorial series की first video है, जिसमें हम बात करेंगे SOLIDWORKS की introduction के बारे में. Okay? So, सबसे पहला जो हमारे पास question आता है, वो है, what is SOLIDWORKS? So, SOLIDWORKS होता क्या है? SOLIDWORKS is a CAD and CAE software, which is available for product design, electrical design and simulation. Okay, so SOLIDWORKS is a 3D modeling parametric software in which having flexible CAD tools, libraries, etc. that helps users to make any design with ease. Okay, इसका मतलब क्या है कि SOLIDWORKS एक CAD and CAE का software है. CAD and CAE क्या चीज होती है? इसके साथ एक और term आती है CAM. CAD, CAM and CAE. तो इन तीनों टर्म्स को मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है. मेरी एक वेरी फर्स्ट वीडियो है, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरी एक वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने CAD CAM CAE की इंट्रोडक्शन के बारे में हर एक चीज एक्सप्लेन किया कि व्हाट इज CAD, व्हाट इज CAM एंड व्हाट इज CAE. तो आप वहां से ये वीडियो को देख सकते हैं. मैंने आई बटन में भी उसका लिंक आपको दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा. ठीक है, वहां से CAD CAM CAE की इंट्रोडक्शन के बारे में जान सकते हैं, व्हाट इज CAD CAM एंड CAE. ओके, सो इसके बाद बोलता है विच इज अवेलेबल फॉर प्रोडक्ट डिजाइन, इलेक्ट्रिकल डिजाइन एंड सिमुलेशन. सो प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है? जो भी हमारे पास रियल टाइम हम प्रोडक्ट्स देखते हैं, लाइक हमारे पास कोई पेन आ गया, या हम लैपटॉप से देख रहे हैं, माउस देख रहे हैं, या जो हम यूज करते हैं, लाइक हम गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, तो जो भी हम डेली यूजेस में देखते हैं चीजों को, वो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के अंडर आता है. लाइक इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग के अंदर क्या आता है, हमारे पास सर्किट डिजाइन होते हैं, हमें सर्किट्स वगैरह डिजाइन करने होते हैं, तो वो सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रिकल डिजाइन के अंडर आते हैं. सो सिमुलेशन जो है वो CAE का पार्ट है. CAE मीन्स कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग. ओके, लाइक सिमुलेशन में हम CFD करते हैं, FEA करते हैं, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, फाइनाइट एलिमेंट मेथड करते हैं. इसमें क्या होता है, हम प्रोडक्ट जो भी डिजाइन करते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब हम उसे मार्केट में लॉन्च करते हैं तो उससे पहले उसकी एनालिसिस होती है, उसके टेस्ट होते हैं, वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने लायक है या नहीं है. ओके, और अगर हम कोई भी न्यू रिसर्च कर रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो उसकी भी टेस्टिंग होती है, तो दैट इज पार्ट इज कमिंग अंडर सिमुलेशन. ओके, तो इसे हम सिमुलेशन कहते हैं. तो SOLIDWORKS क्या है? SOLIDWORKS इज ए 3D मॉडलिंग पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर इन विच हैविंग फ्लेक्सिबल CAD टूल्स एंड लाइब्रेरीज दैट हेल्प्स यूजर्स टू मेक एनी डिजाइन विद द ईज. ओके, सो जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं डिजाइनिंग के लिए, उसके अंदर टूल्स किस तरह के हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी डिजाइनिंग के अंदर, कि आप डिजाइन किस तरह से बना सकते हो. ओके, और उसके बाद नेक्स्ट एक चीज और है कि SOLIDWORKS हमारा इंट्रोड्यूस कब हुआ था. SOLIDWORKS इज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 1955 एंड इट इज डेवलप्ड बाय Dassault सिस्टम्स. और SOLIDWORKS जो है वो रेगुलरली डेवलप होता रहा है. जो उसका फर्स्ट वर्जन आया था वो था SOLIDWORKS 95, जो कि नवंबर 1955 में ही लॉन्च हुआ था. सो हमारा फर्स्ट वर्जन था SOLIDWORKS का, SOLIDWORKS 95. और उसके बाद जो अभी लेटेस्ट वर्जन हमारे पास आ रहा है SOLIDWORKS 2020, दैट इज इंट्रोड्यूस्ड इन 18th सितंबर 2019. ओके, और हम जो वर्जन यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं SOLIDWORKS 2017, जो कि आप यहां से भी देख सकते हैं. ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं SOLIDWORKS 2017 का यूजर इंटरफेस किस तरह से है और उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती है. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फाइल, और यहाँ पे न्यू में क्लिक करेंगे और आपके पास तीन मॉड्यूल्स आ जाएंगे, जो सबसे मेजर मॉड्यूल्स हैं आपके पास. सबसे पहला मॉड्यूल है आपके पास पार्ट मॉडलिंग, इसके बाद आता है आपके पास असेंबली, और उसके बाद आता है ड्राइंग. तो पार्ट मॉडलिंग में हम अलग अलग मॉडल्स बना सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स बना सकते हैं, और उसी को असेंबली में असेंबल करके हम उसे अरेंज कर सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद हम ड्राइंग में क्या कर सकते हैं, 3D का जो मॉडल हमने तैयार किया है उसमें हम उसकी 2D ड्राइंग्स भी बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट व्यूज, और इसको आप ऑर्थोगोनल व्यूज भी बोल सकते हैं. तो ऑर्थोगोनल व्यूज में एक सिंगल पार्ट की या असेंबली की आप इसमें 2D ड्राइंग्स भी दिखा सकते हैं और उसकी डायमेंशंस भी दिखा सकते हैं. ओके, सो इसी तरह से आपके पास ये तीन मॉड्यूल्स मेन रहेंगे. सो सबसे पहला जो हमारे पास रहेगा पार्ट मॉडलिंग, इसे आपने क्या करना है. ओके, सो इस तरह से आप इस विंडो में पहुंच जाएंगे. ओके, सो यहाँ पे ये आपके पास SOLIDWORKS का वर्किंग एरिया है, जहाँ पे आपने कोई भी पार्ट को डिजाइन करना है. तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या रहता है डिजाइनिंग के अंदर, कि आपको जो भी पार्ट बनाना है सबसे पहले उसका 2D पार्ट बनेगा, उसके बाद आप उसका 3D मॉडल क्रिएट करोगे. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आप उसकी
2D डिजाइनिंग किस तरह से कर रहे हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर के अलग अलग टूल्स होते हैं। सो सॉलिडवर्क्स से जो टूल्स हैं बहुत ही इजी हैं, बट इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि आप 2D डिजाइन किस तरह से बनाते हैं। बट यहाँ पे 3D के अंदर आपको बहुत मजा आएगा काम करने का, बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। लाइक जैसे आप फीचर्स में देख सकते हैं, एक्सट्रूड है, रिवॉल्व है, स्वीप है, बहुत ही फ्लेक्सिबल टूल्स हैं, बहुत ही इजी वे से आप इनको सीख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास स्केचिंग, तो आपने देख ही लिया, सरफेस आ जाएगा आपके पास, शीट मेटल आ जाएगा, वेल्ड मेट आ जाएगा, मोल्ड टूल्स आ जाएगा जिसमें आप डाइज वगैरह बनाते हैं, इवेल्यूएट आ जाएगा, आप किसी भी 3D मॉडल का अगर मास चेक करना चाहते हैं तो मास प्रॉपर्टीज वगैरह चेक कर सकते हैं, और एक्सपर्ट डिम एक्सपर्ट आ जाएगा आपके पास। डिम एक्सपर्ट में क्या हो जाएगा, आप डायमेंशन वगैरह चेक कर सकते हैं 3D मॉडल की। ओके, इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे फीचर मैनेजर, इसे आप फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री भी बोल देते हैं, नॉर्मली हम इसे डिजाइन ट्री ही बोलते हैं। ओके, तो फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रॉपर्टी मैनेजर, इसके बाद आपके पास आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर, इसके बाद आपके पास आता है डिम एक्सपर्ट मैनेजर, और देन आपके पास आता है डिस्प्ले मैनेजर। सो अभी जो आपने फोकस करना है, फीचर मैनेजर डिजाइन ट्री पे फोकस करना है और आपने प्रॉपर्टी मैनेजर पे फोकस करना है। ओके, और यहाँ पे ट्री में जो आपके पास अवेलेबल है वो क्या चीज अवेलेबल है, हिस्ट्री, सेंसर्स, एनोटेशंस, मटेरियल, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन एंड ओरिजिन। सो स्टार्टिंग में आपने सिर्फ प्लेन्स के ऊपर फोकस करना है, उसके बाद वन बाय वन हम धीरे धीरे इन सभी ऑप्शंस को भी सीखेंगे कि किस तरह से ये यूज होते हैं। ओके, सो प्लेन्स हमारे पास किस तरह से रहे, देखिए हमारे पास फ्रंट प्लेन आ रहा है, टॉप प्लेन आ रहा है, राइट प्लेन आ रहा है, आप किसी भी प्लेन पे वर्क कर सकते हैं, ओरिजिन भी आपके पास यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल सेंटर आ रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ड्रॉइंग बना सकते हो। तो जैसे मैंने फ्रंट प्लेन सिलेक्ट किया, तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं आपके पास स्केचिंग की, इसके बाद आपके पास ये शो, अगर आप हाइड करना चाहते हैं आप हाइड कर सकते हैं, जो भी स्केच बनाओगे वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद दोबारा क्लिक कीजिए और यहाँ से आप शो कर सकते हैं, तो जो भी आपका स्केच होगा वो दोबारा आपका विजिबल हो जाएगा। इसके बाद आपके पास आएगा जूम टू द सिलेक्शन, ठीक है, इसके बाद आएगा नॉर्मल, ठीक है, तो ये चीजें आपके पास। इसके बाद आपके पास आएगा यहाँ पे जूम टू फिट, ठीक है, कोई भी आपका जब डिजाइन कर रहे हो तो ये टूल आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। जैसे हमने ऑटोकैड में किया था जेड एंटर ए एंटर, ठीक है, और उसमें जूम की भी काफी ऑप्शंस थी, अगर आपने जूम टू द एक्सटेंड करना हो तो आप उसको भी कर सकते हो, उसी तरह से जूम टू द फिट भी यहाँ पे ऑप्शन है। फिर जूम टू द एरिया, अगर आपने कोई एरिया सिलेक्ट करना है तो वहां से उस एरिया, पर्टिकुलर एरिया को ये जूम कर देगा। ओके, देन इसके बाद अगर आप कोई प्रीवियस व्यू चेक करना चाहते हैं तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं और डायरेक्टली कंट्रोल जेड भी कर सकते हैं। तो हर एक सॉफ्टवेयर में कंट्रोल जेड ही यूज होता है। कोई भी आपने मॉडल बनाया हुआ है उसका सेक्शन व्यू देखना चाहते हैं, आप सेक्शन व्यू भी देख सकते हैं। उसके बाद आप एनोटेशन व्यू देख सकते हैं, और व्यू ओरिएंटेशन में क्या आपके पास अवेलेबल है, आप इसकी कोई भी डायरेक्शन को देख सकते हैं। अगर आपने टॉप व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है, बॉटम व्यू देखना है, और इसका अगर आइसोमेट्रिक व्यू चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक और ट्रायमेट्रिक भी आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सिंगल व्यू आ जाएगा आपके पास, टू व्यू आ जाएगा, और वर्टिकल आएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, और देन आप फोर व्यू में भी देख सकते हैं अपनी विंडो को, ठीक है, इस तरह से आपके पास आ जाएगा ये। देन आप अगर विंडो को सिंगल व्यू पे रखना चाहते हैं तो सिंगल व्यू पे भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डिस्प्ले स्टाइल्स आ जाएंगे, आप किस स्टाइल्स में रखना चाहते हैं, जैसे हमने ऑटोकैड के अंदर भी देखा था, शेडेड व्यू करना चाहते हैं, वायर फ्रेम में करना चाहते हैं, हिडन लाइंस चेक करना चाहते हैं, तो इस तरह से आप ये सभी में देख सकते हैं। ओके, और इसके बाद जो भी आप काम कर रहे हैं उनमें से आप किस चीज को हाइड करना चाहते हैं, किस चीज को आप शो करवाना चाहते हैं, तो वो चीज आप यहाँ से हाइड और व्यू करवा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद एडिट अपीयरेंस, आप किस तरह से अपीयरेंस उसकी चेंज कर सकते हो, लाइक आप कलर चेंज कर सकते हो उसका, और आप यहाँ से उसका मटेरियल का जो टेक्सचर होएगा वो यहाँ से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं मटेरियल के ऊपर, और यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप उसका कलर चेंज करना चाहते हो तो आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज कर दीजिए। इसके बाद आपके पास आ जाता है कौन सा सीन दिखाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास अभी जो यहाँ पे चेक हुआ पड़ा है 3-point faded, तो 3-point faded है हमारे पास, हम चेंज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं प्लेन व्हाइट, तो प्लेन व्हाइट देख लीजिए आपके पास प्लेन व्हाइट आ जाएगा। दोबारा अगर 3-point faded पे चले जाएंगे तो इस तरह से फेडेड आ जाएगा आपके पास। ब्लैक ड्रॉप आ रहा है, ग्रे विद ओवरहिल ओवरहेड लाइट, तो इस तरह से आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है ना। सो मैं रिकमेंड करूंगा आपको ये दोनों, बाकी उसके बाद
रूफ टॉप भी आ जाएगा और थ्री पॉइंट बीच भी आ जाएगा, बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे आपके पास, तो आप इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं नॉर्मली प्लेन व्हाइट और यहाँ पे थ्री पॉइंट फेडेड को डिफॉल्ट एज ए रख लेते हैं। ओके, और इसके बाद आपने जैसे यूनिट्स चेंज करनी है तो आप यूनिट्स भी चेंज कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल ही राइट कॉर्नर पे यहाँ पे क्या रहा है, MMGS। व्हाट इज MMGS? इट्स मिलीमीटर ग्राम एंड सेकंड। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी डायमेंशंस चेक कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास इंचेस में ड्रॉइंग्स आ रही हैं, तो मेरे को अगर इंचेस में बनाना है तो मैं यहाँ पे IPS सिलेक्ट कर लूंगा, मीन्स इंचेस पाउंड एंड सेकेंड। ओके, सो नॉर्मली मेरे पास जो ड्रॉइंग्स आते हैं वो MM में रहती हैं, तो आपने यहाँ से ओके कर लेना है। और अगर आपके पास यहाँ से ऑप्शंस डिस्प्ले नहीं हो रही हैं, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं ऑप्शंस, और यहाँ पे आपके पास ये सारी ऑप्शंस आ जाएंगे, इनको वन बाय वन करेंगे। बट अभी जो हम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज में चले जाना है आपने और यूनिट्स में चेक करना है, आप यहाँ से भी इनको सेट कर सकते हैं। ओके, और इसके बाद आप ग्रिड व्यू अगर दिखाना चाहते हैं डिस्प्ले में, तो ग्रिड व्यू दिखा सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे कोई भी मॉडल बना लूं, यहाँ कुछ भी मैं स्केच क्रिएट कर लूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास ग्रिड व्यू आ रहा है। ठीक है, सो अगर मैं इसे, तो ग्रिड व्यू अभी नहीं दिखाई देगा, जैसे ही मैं स्केचिंग ऑन करूंगा, मॉडलिंग ऑन करूंगा, तो मेरा ग्रिड व्यू ऑन हो जाएगा। सो यहाँ से आप क्या करोगे, ऑप्शंस में चले जाओगे, अगर आप ग्रिड व्यू ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से ग्रिड व्यू ऑफ कर दीजिए। ठीक है, तो सेव करना है आप सेव कर सकते हो, न्यू करना चाहते हो यहाँ से आप डायरेक्टली न्यू कर सकते हो, और डायरेक्टली आप कंट्रोल एन करके आप अपनी शीट को ऑन कर सकते हैं, तो आपकी नई विंडो ओपन हो जाएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, ओपन, आपने कोई फाइल को ओपन करना है आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, और सेव करना चाहते हैं सेव ऑल करना चाहते हैं, सेव एज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से भी प्रिंट कर सकते हैं, और अंडू करना चाहते हैं तो अंडू की ऑप्शन क्या है आपके पास, कंट्रोल जेड, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली कंट्रोल जेड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास क्या है, फ्रंट प्लेन, टॉप प्लेन, राइट प्लेन, हम तीनों में काम करके देखते हैं किस तरह से हम इसमें वर्क कर सकते हैं। तो आपने जैसे राइट क्लिक किया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली स्केच में चले जाएंगे। ओके, सो देखिए स्केच भी ऑन हो गया और मेरा प्लेन भी बिल्कुल स्ट्रेट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम काम करते हैं तो ये इस तरह से एंगल पे चला जाता है कभी कभी, तो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम किस तरह से सेट करें। जैसे आप मॉडलिंग बना रहे हैं तो प्लेन भी कई बार नहीं दिखाई देता है, तो मॉडल भी आपका एंगल पे टिल्ट हो जाता है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, अगर आप मॉडल को नॉर्मल करना चाहते हो तो यहाँ से आप डायरेक्टली नॉर्मल कर सकते हो, और आप अपने कीबोर्ड का स्पेस प्रेस करके यहाँ से भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी ओरिएंटेशन की, तो आप यहाँ से भी नॉर्मल कर सकते हैं। ओके, ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से ये सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगी। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास, स्केचिंग, तो मैं स्केचिंग में सिर्फ आपको लाइन ही बताऊंगा आज, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सारी स्केचिंग टूल्स की इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्केचिंग टूल्स किस तरह से वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरे पास आएगा लाइन, तो लाइन को किस तरह से यूज करेंगे, लाइक मैंने ओरिजिन पिक किया है, तो यहाँ से मैं इसको अब कोई भी लाइन बना रहा हूँ, देखिए मैंने बिल्कुल रफली ड्रॉ किया है, तो इसको हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। सो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया था कि सॉलिड वर्क्स इज ए 3D मॉडलिंग पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर, सो पैरामेट्रिक का क्या मतलब है, यहाँ पे आपके पास जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स आ रहे हैं, आपने वर्टिकल करना है, इक्वल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, टेंजेंट करना है, आपने फिक्स करना है, ये सारे के सारे जितने भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं वो यहाँ पे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है ना, कैसे यूज कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे एक लाइन को पिक किया, तो आप देख सकते हो अब प्रॉपर्टी मैनेजर में लाइन की प्रॉपर्टीज आ गई सारी की सारी। तो लाइन की प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए एग्जिस्टिंग रिलेशंस, तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो अगर मैं यहाँ पे रिलेशन ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पे ऐड रिलेशन की ऑप्शन आ रही है मेरे पास। सो क्या रिलेशन ऐड कर सकते हो आप, हॉरिजॉन्टल कर सकते हो, वर्टिकल कर सकते हो, फिक्स कर सकते हो, तो भी आपने क्या करना है, सो जैसे मान लीजिए मैं वर्टिकल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन जो मेरी वर्टिकल हो जाएगी, तो यहाँ पे रिलेशन भी ऐड हो गया। सो इसके बाद हमारे पास और क्या ऑप्शंस आती हैं, मान लीजिए आप इस लाइन को कंस्ट्रक्टेड बनाना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं ये लाइन मेरी डॉटेड में कन्वर्ट हो गई है, तो इट मीन्स ये कंस्ट्रक्टेड बन गई है। और अगर इस लाइन को आप इनफाइनाइट लेंथ देना चाहते हैं तो इनफाइनाइट लेंथ भी दे सकते हैं। ठीक है,
अगर आप इन दोनों को नहीं दिखाना चाहते थे, अनचेक कर दीजिए और उसके बाद पैरामीटर्स आ जाएंगे कितनी लेंथ आ रही है उसकी। ठीक है, आप यहाँ पे लेंथ भी दे सकते हैं, लाइक मान लीजिए यहाँ पे 67 आ रही है तो मैं यहाँ पे 30 लेंथ देना चाहता हूँ, तो ये देख लीजिए इसकी लेंथ डिक्रीज हो रही है। ओके, एंगल क्या है, डाउनवर्ड आ रहा है तो इट मीन्स 270 आ रहा है। अगर मैं इसे यहाँ पे 180 दे दूं तो ये एंगल पिक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि मेरा जो रिलेशन है वो क्या है, वर्टिकल है, तो वर्टिकल या तो 90 होगा या तो 180 होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास ये सारे ऑप्शंस वर्क करेंगे। तो आप यहाँ पे किसी को भी यूज कर सकते हैं, लाइक मैंने ये वाली लाइन पिक की और यहाँ पे रिलेशन ऐड करना चाहता हूँ तो रिलेशन ऐड कर सकता हूँ, मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं, मैंने इसे हॉरिजॉन्टल करना है आप इसे हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। ओके, लाइक ये वाली लाइन है तो इस लाइन को भी आप हॉरिजॉन्टल बनाना चाहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बना दीजिए, और इस लाइन को आप वर्टिकल बनाना चाहते हैं, आप इस लाइन को वर्टिकल बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी मैनेजर में काम कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्केच को आप पिक कीजिए तो आपकी प्रॉपर्टी मैनेजर में जो स्केच है उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे विजिबल हो जाएगी, आप वहाँ पे जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस कर सकते हैं। ओके, आज के इंट्रोडक्शन में इतना ही काफी है, मैंने आपको लाइन बता दिया और इसके बाद सेंटर लाइन है, मिड पॉइंट है, तो ये हम ऑप्शंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और वन बाय वन सभी स्केचिंग टूल्स को देखेंगे किस तरह से स्केचिंग टूल्स यूज होते हैं। ठीक है, सो इन द एंड हर एक वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताता रहूंगा ताकि आप इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर सके। ओके, सो आइए इसमें देखते हैं हमने इंटरव्यू से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पुटअप किए जा सकते हैं। सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो सॉफ्टवेयर है कौन सी कंपनी डेवलप करती है। तो कौन सी कंपनी डेवलप करती है, डेसॉल्व सिस्टम्स डेवलप करती है, और उसके बाद ये कब लॉन्च हुआ था हमारा सॉलिडवर्क्स, तो सॉलिडवर्क्स कब लॉन्च हुआ था, नवंबर 1995। ओके, और इसका फर्स्ट वर्जन कौन सा था, सॉलिडवर्क्स 95। ओके, और इसके बाद एक और क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि जो सॉलिडवर्क्स है वो कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है, तो यहाँ पे आंसर है इसका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सॉलिडवर्क्स नहीं यूज होता, सिर्फ ओनली विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही यूज होता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे अगर किसी ने पूछ लिया कि सॉलिडवर्क्स हम मैक में यूज कर सकते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए नो। अगर आपने यस बोल दिया या आपको नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये चीज आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं यहाँ पे, फर्स्ट हमारा व्हाट इज सॉलिडवर्क्स, सॉलिडवर्क्स आपको पता होना चाहिए कैड एंड सीए का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और ये 3D कैड मॉडलिंग पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर है, तो पैरामेट्रिक के बारे में भी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज पैरामेट्रिक मींस आप जो भी कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे यूज करना चाहते हैं वो डायरेक्टली यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे आपके पास, आप यहाँ से डायरेक्टली उसको एडिट कर सकते हैं। ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ पैरामेट्रिक। और उसके बाद सॉलिडवर्क्स कब लॉन्च हुआ था और कौन सी कंपनी इसे डेवलप करती है। ठीक है, और इसका फर्स्ट वर्जन कब आया था, नवंबर 1995 जो था सॉलिडवर्क्स 95, और इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, सॉलिडवर्क्स 2020 जो कि 18 सितंबर 2019 में लॉन्च हुआ था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और हर एक वीडियो में मैं आपको इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस बताता रहूंगा और टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताता रहूंगा कि आपने कौन सी ट्रिक्स यूज करनी है, कौन सी टिप्स आपके लिए सही रहेगी, किस तरह से आप अच्छे मॉडल्स बना सकते हो और किस तरह से आप अपने एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, जो भी आपको डिफिकल्टी आ रही है मॉडलिंग बनाने में उसको आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।